हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोग का? आज हम आप लोग को ले चलेंगे मंदिर। जैसा कि पता है कि आज आप सावन है, सावन का पहला सोमवार ही है, सावन का पहला दिन भी है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। तो आज हम आप लोग को ले चलेंगे मंदिर। आज हम सोमवारी व्रत किए हैं तो नहा धो के पूरा फिनिश हो गए हैं और चलिए चलते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। चलिए तो हम लोग पूजा पूजा करने जाएंगे मंदिर, आप लोग को भी साथ में ले चलेंगे। तो हमारे भोलेनाथ से दर्शन कर लीजिएगा। हमारे भोलेनाथ नहीं, भोलेनाथ से पूरे जगत का है, दुनिया का है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा आस्था है भोलेनाथ में और माता रानी में। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया। सावन का हम बहुत दिन बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि सावन आएगा सावन आएगा। सावन में हम प्रत्येक दिन कोशिश करते हैं मंदिर जाने का, प्रत्येक दिन जाने का कोशिश करते हैं और जाते भी हैं, पूजा करने भी और दीप जलाने भी जाते हैं। तो चलिए आप लोग को पूजा करने ले चलते हैं। और एक फ्रेंड बात बोलना था कि जो अब इधर आके मतलब एक महीना या 15 दिन पीछे से कोई लोग हैं जो मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, जो हमसे नफरत करते हैं वो चाहेंगे नहीं कभी जो हम आगे जाएं। वो तो 2-3 साल 3 साल पहले ही चाह लिए थे कि लड़की मर जाए, इसका पूरा फैमिली टूट के बिखर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान भोलेनाथ का पूरा साथ था, सपोर्ट था, लेकिन बचते बचते सब टूटते टूटते हम लोग पूरा फैमिली संभल गए थे। ऐसा कुछ हुआ था कि सारा चीज मतलब खत्म होने के कगार पे आ गया था, लेकिन सब कुछ तो चला गया, लेकिन एक भोलेनाथ का सहारा था जो हम लोग संभलते संभलते संभल गए। तो वो लोग अब हमारा वीडियो देखने लगे हैं तो चाहेंगे नहीं जो हम कभी लाइफ में आगे जाए या कुछ करें। तो इसलिए अपना जो बोलना होगा बोलेंगे, वो बैड कमेंट करना होगा करेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं है। अब हम जो काम कर रहे हैं वो तो हम करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। तो अब वो एक बात है यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड आप लोगों को, वो हमसे नफरत करते हैं तो कैसे चाहेंगे जो हम आगे जाएं, है ना। जब जो हमारे मम्मी पापा या भाई जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें अच्छा देखना चाहते हैं, वही ना चाहेंगे कि जो हम आगे जाएं, कुछ करें अपने लाइफ में, अपने पैर पे खड़ा हो कुछ करें। जो हमसे नफरत करेंगे वो तो चाहेंगे कि जो हाँ लड़की टूट के बिखर जाए या लड़की कुछ कर ना सके। अरे जिंदा कैसे, इसको मर जाना चाहिए, ऐसा चाहेंगे ना। ठीक है ना, ये सब बात को पीछे छोड़ते हुए चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको पूजा करने के लिए। और मेरे भोलेनाथ से एक ही मन रहेगा, पूजा पूजा करेंगे, भोलेनाथ से बोल देंगे हे भोलेनाथ हम पे दया कीजिएगा, मेरे परिवार पे भी दया कीजिएगा, और जो मेरे फ्रेंड है, प्यारे प्यारे फ्रेंड है, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है, उन पे भी दया कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और मेरे फ्रेंड, मेरे दी, मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। चलिए मंदिर चलते हैं फटाक से। पूजा पाठ हमारा हो गया संपन्न। अब हम पियेंगे चाय और नींबू पानी। आप लोग को पीना है तो बता दीजिए, ठीक है ना। प्यास बहुत जोर से लगा हुआ है, ऐसे भी सोमवारी में ना प्यास बहुत जोर से लग जाता है,
चलिए तो चाय शरबत पी लेते हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे, और अच्छा लगे तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तब ना हम कुछ कर सकेंगे। लाइक करना क्यों आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा प्लीज। चलिए चाय शरबत पीते हैं अब। ये हमारा नींबू पानी बन गया, देखिए पी लीजिए आप लोग, तब हम पीते हैं, ठीक है? अगर आप लोग का वर्त है तो पी लीजिए, नहीं तो हम पी लेते हैं, हमारा सोम बारी है। बाय।